नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे हार्दिक पटेल की। आप सभी देख रहे हैं कि हार्दिक पटेल के लिए कई दिनों से कयास लग रहे थे कि बीजेपी में शामिल होंगे। 1 जून 2 जून कई तारीखें निकली कि कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद हार्दिक पटेल किस पार्टी में शामिल होंगे। आज हमने देख लिया हार्दिक पटेल ने बीजेपी में शामिल होके एक तरीके से बीजेपी को बड़ी जीत दिला दी है और कांग्रेस की आज बड़ी हार भी हो गई है। जिस तरह से एक कांग्रेस के युवा नेता हार्दिक पटेल जो आज बीजेपी में शामिल हो गए, वही पूरा मजा उन्होंने चखा दिया है कांग्रेस को। लेकिन जिस तरह से वो शामिल हुए हैं और शामिल होने के बाद जो बड़ी जिम्मेदारियां उन्हें मिलने लगी है, मिलने वाली है, और उन पर हम बात करेंगे। इसी बीच आपको पहले बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी बहुत तारीफ की है, काफी जो है उनको गौरव बताया, और इसी बीच उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर काफी तारीफ किया। लेकिन इसी बीच अगर हम बात करें पहले की, तो जब वो कांग्रेस में थे तो उन्होंने लगातार जो है अमित शाह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उनको लेकर बड़ी बड़ी बातें कही थी। ऐसी बातें कही थी जो आप भी नहीं सोच सकते, और आपको पता भी होगा कि कैसे कैसे शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया था। फिलहाल अब तो वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, तो अब तो तारीफ बुनना तय ही होगा। लेकिन इसी बीच हार्दिक पटेल की अगर हम बात करें कि शामिल होने के बाद अब किस तरह का काम वो करने वाले हैं, किस तरह की जिम्मेदारियां उन्हें मिलने वाली है, क्या बीजेपी अब उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देगी या फिर जैसा कि वो चाहते हैं वैसा ही होगा, उन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी प्रज्ञा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम पे। प्रज्ञा, सबसे पहले सवाल से शुरुआत करेंगे। जिस तरह से आप देख रही हैं कि हार्दिक पटेल आज शामिल हो चुके हैं, शामिल होने के बाद हर किसी की नजर हार्दिक पटेल पर है, क्या निर्णय वो ले रहे हैं, किस तरह की जिम्मेदारी उन्हें मिलेगी, कैसा अब बीजेपी में उनका रुख रहेगा। लगातार कई खुलासे उनके पुरानी जो मेमोरीज है, मैं बात करूंगी ट्वीट को लेकर, हो रही है। लेकिन इसी बीच सबसे पहला सवाल मेरा रहेगा कि हार्दिक पटेल के शामिल होने के बाद क्या बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिलने वाली है या किस तरह का ऐलान उन्होंने किया? जी देखिए साक्षी, जिस तरह से हार्दिक अपने काम के लिए जाने जाते हैं, हम सभी जानते हैं कि हार्दिक पटेल एक ऐसे नेता हैं, एक ऐसा चेहरा है। सबसे पहली बात कि हार्दिक एक युवा नेता, बिल्कुल ठीक है, और उनका हमेशा से ऐसा आप कह सकते हैं कि इस तरीके से वो हमेशा से जमीनी स्तर पर काम करते आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, कहीं ना कहीं ऐसा माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें एक बड़ा ओहदा दे सकती है। लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें चाहे ओहदा कोई भी दे दिया जाए, लेकिन जिस तरह से आज सुबह हार्दिक पटेल ने एक ट्वीट किया कि और उस ट्वीट में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक छोटा सा सिपाही बनकर काम करना चाहूंगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि ओहदा उन्हें जो भी दिया जाए, लेकिन उनका जो एक स्वभाव है कि वो हमेशा जमीनी स्तर पर काम करना चाहते हैं, और जो जमीन से जुड़े मुद्दे हैं, जो सामाजिक समस्याएं हैं जनता की, वो उन पर काम करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, उन पर काम करेंगे क्योंकि उनके ट्वीट से ये चीजें लगी, और कहीं ना कहीं कांग्रेस से जब इस्तीफा दिया था तो भी ये बातें उन्होंने कही थी कि वो राष्ट्रवाद के लिए काम करना चाहते हैं, उन्हें पद से लेना देना नहीं है, उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां चाहिए, मेरी बात कोई सुने मैं उस पर बड़े निर्णय लूं। अब जिस तरह से आपने देखा नई मुहिम वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं, हर 10 दिन में कुछ इस तरह की सभा रखेंगे जिसमें कांग्रेस से जो नेता निकलना चाहते हैं या नाराज है उनको आने में मदद मिले। आप देखिए किस तरह का काम वो है जो उन्होंने कार्य है वो शुरुआत करने का ऐलान आज कर दिया है। तो मतलब जिम्मेदारी की जिस तरह से हम बात आप कर रहे हैं कि जो बीजेपी है वो हार्दिक को जो भी जिम्मेदारियां देगी वो अच्छे से उसको ईमानदारी तरीके से पूरा करेंगे, लेकिन बीजेपी ने इतनी जल्दी जो भरोसा जताया है, मैं वही सवाल करना चाहूंगी क्योंकि आपने भी देखे काफी ट्वीट्स, अगर हम एक बार फिर से देखें पुराने ट्वीट जहां अमित शाह को गुंडा कहकर उन्होंने गुंडा शब्द का प्रयोग किया, अमित शाह के लिए प्रधानमंत्री के लिए बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। देखिए इंडिविजुअली आप किसी के लिए ऐसी सी बातें बोल रहे हैं, पार्टी के लिए बात बोलना अलग होता है लेकिन किसी का नाम लेके बात बोलना अलग होता है। तो इस बीच किस तरह से बीजेपी बड़ा भरोसा उन पर जता सकती है? ऐसे तो आप शायद बीजेपी भी छोड़कर चले जाए कुछ दिन में अगर आपको यहाँ ना ठीक लगे तो। जी बिल्कुल, आपने काफी सही कहा कि देखिए पार्टी अलग है लेकिन आप इंडिविजुअली किसी नेता पर, और खासकर जब बात देश के प्रधानमंत्री की हो, तो उन पर आप सीधा ऐसे प्रहार नहीं कर सकते, और खासकर जब आपके पास अपनी बात का कोई सबूत ना हो, कोई तथ्य ना हो। सही बात है, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआती दौर की अगर बात की जाए तो शायद अभी बीजेपी इस बात पर थोड़ा विचार करेगी कि आखिर हार्दिक पटेल को उन्हें क्या जिम्मेदारियां देनी है या किस ओहदे पर वो उन्हें बिठाएंगे। देखिए जैसा कि सभी जानते हैं कि अब गुजरात में चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी लगातार
तैयारियां कर रही है। इसी बीच हार्दिक पटेल का पार्टी में शामिल होना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा झटका है और बीजेपी के लिए तो उपलब्धि ही हो गई है। इसमें देखने वाली बात ये होगी कि अब हार्दिक पटेल की जो रणनीतियां थी जो कांग्रेस जिन्हें पूरा नहीं कर पाई है, तो अब क्या उन रणनीतियों पर भारतीय जनता पार्टी उन्हें मौका देगी, उन पर काम करने का उन्हें मौका देगी? मौका देगी और हार्दिक पटेल उन मौके का फायदा उठाते हैं नहीं उठाते हैं वो देखने वाली बात होगी। इसी बीच प्रज्ञा, अगर हम देखें कि बीजेपी ने भी कहीं ना कहीं इस पर रणनीति खेली है, अगर बीजेपी ने हार्दिक पटेल का स्वागत किया है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा फायदा विधानसभा चुनाव में होने वाला था हार्दिक पटेल को लेकर। अब जिस तरह से गुजरात चुनाव होंगे तो उसमें हार्दिक पटेल जो है आपने जिस तरह से देखा 15,000 कार्यकर्ताओं को लेकर आ रहे हैं, साथ ही और भी नेताओं की वो तैयारी कर रहे हैं, कई वोट बैंक कहीं ना कहीं जो कांग्रेस में आने वाले थे उनकी वजह से अब बीजेपी में आएंगे, तो एक बहुत बड़ा असर देखने को मिल रहा है। तो बीजेपी की जो रणनीति है क्या उसमें वो सफल हो पाएगी या नहीं, अब ये देखने वाली बात होगी, उस पर आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल साक्षी, इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हार्दिक का खुले हाथों से स्वागत किया, देखिए पहले ना तो बीजेपी की तरफ से कोई साफ तौर पर ऐसा बयान आया था, जब हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दिया था तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अंत तक कोई ऐसा बयान नहीं आया था कि हाँ उन्होंने हार्दिक पटेल को किसी तरह का प्रस्ताव दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो। देखिए अंत तक तारीख पर तारीख लगातार आ रही थी कि 1 जून 2 जून और फिर आखिर में आकर के भारतीय जनता पार्टी में हार्दिक पटेल शामिल तो हो गए हैं, लेकिन ये जो सस्पेंस एक बनाकर रखा गया। और इसके बाद अब सोचने वाली बात यह है कि जिस तरह से हार्दिक पटेल ने अभी अपने बयान में कहा कि अब तो 10 दिन के बाद 10-10 दिन के फासले में मंत्री आते ही रहेंगे, तो अब सबसे बड़ा ये भी सवाल है कि हार्दिक पटेल के बाद अब कांग्रेस से आखिर कौन सा ऐसा बड़ा चेहरा है जो एक नया फरमान लेकर के आ सकता है या फिर वो भी पार्टी का दामन छोड़ सकता है। देखिए चुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी पहले ही एक बड़ा झटका झेल चुकी है, अब अगर ऐसे में और कोई दिग्गज नेता अगर पार्टी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है तो बीजेपी के लिए ये कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत पहले ही हो गई है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं जेपी नड्डा उनसे बात कर रहे हैं, जो सांसद हैं उन्हें जो उनके कमजोर बूथ हैं उन्हें सौंप दिया गया है कि उन पर काम किया जाए, और अब ऐसे में जब हार्दिक पटेल पार्टी में शामिल हुए हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जमीनी स्तर पर जनता को भारतीय माफ कीजिएगा कि जो गुजरात की जो राजनीति है उसमें भारतीय जनता पार्टी को काफी फायदा होगा, क्योंकि वोट बैंक बनाने में हार्दिक पटेल का काफी ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है, क्योंकि हार्दिक पटेल जो है वो युवा नेता है और जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं और उनके साथ जो 15,000 कार्यकर्ता आए हैं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बेहद ही फायदे वाली ये चीज है। बिल्कुल बेहद फायदे वाली चीज है, और वही चीज है कि हार्दिक पटेल जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं अब किस तरह से कांग्रेस के और बड़े ऐसे नेता है जिनको वो लेकर आए। और आप ये देखिए कि ये देखने वाली बात होगी और बहुत मजेदार भी होगी कि अब कांग्रेस के बड़े बड़े कौन से नेता आ सकते हैं। सवाल सचिन पायलट को लेकर उठता है कि हो सकता है सचिन पायलट भी एक ऐसे नेता हो जो वहां से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो, बीजेपी नहीं तो कोई और विकल्प, लेकिन इस्तीफा देने की कगार पर वो आ चुके हैं जिस तरह की हालत राजस्थान में देखने को मिल रही है। फिलहाल जिस तरह से हार्दिक पटेल ने यहाँ पर अपना परचम लहरा दिया है, देखने वाली बात होगी बीजेपी में कब तक वो टिकते हैं, जिस तरह से 3 साल में कांग्रेस में निकल चुके हैं। लेकिन जैसे भी वो कहते हैं लगातार अपडेट जो है वो हम आप तक पहुंचाती रहेंगे, उसके लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट टाइम लाइव।